राज राज दोस्तों, मैं नीरज एसएजी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस में मैंने बाकी चैप्टर कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो हम, ये हमारा फोर्थ पार्ट है और इसमें हम अपना फिफ्थ चैप्टर कवर करेंगे जो कि है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना, जिसमें हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आपने अगर बैक साइड की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर उनको देख लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर से सॉरी, और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो क्या क्या लर्न करना है आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज को कमेंट चेकआउट करके देख के बताना कि आपको वो समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप बता दीजिए मुझे कि अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, ठीक है। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखो, सबसे पहले ये जो पूरा चैप्टर है ये यूएनओ के ऊपर बेस्ड है, आपको बताना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन ही लॉन्ग क्या बन सकता है कि भाई यूएनओ की स्थापना क्यों हुई, उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसकी कमियां क्या है। मतलब कहने का मतलब, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि अगर कोई भी संगठन है, कोई भी ग्रुप बनता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, संगठन होता है, उसके उद्देश्य सेम होते हैं। आपको पता ही है कि भाई यूएनओ की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 में। या आपको पता होना चाहिए कि भाई जो यूएनओ की स्थापना हुई है वो कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 में हुई है, क्लियर है। ओके, बात करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी आपकी कब, 1914 से 18, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45, और 45 के बाद ही आपका यूएनओ बनाया गया था। अब यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है, ये क्वेश्चन आपका वन मार्क्स में आ सकता है कि यूएनओ से पहले भी तो एक संगठन बनाया गया था ना, अगर आपने पढ़ा होगा, क्या था वो, लीग ऑफ नेशंस, नेशंस, ठीक है, थोड़ा बहुत गलत हो गया, लीग ऑफ नेशंस आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है ना। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 के आसपास की गई थी, ठीक है ना, या 20 भी कह सकते हैं इसको, यानी कि पहले विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य भी सीख था, लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य भी सेम ही था कि भाई इसको क्यों बनाया गया था, कि इस तरीके का युद्ध दोबारा ना हो जैसे आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई है, वर्ल्ड वॉर सेकंड ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काफी हानि हुई थी, जनहानि हुई थी, ठीक है ना। तो इसको इसलिए बनाया गया था बेसिकली कि लीग ऑफ नेशन एक संगठन था ताकि इस प्रकार का युद्ध दोबारा ना हो सके। बट आपका लीग ऑफ नेशन आपको पता है कि फेल हो गया था, ठीक है, कि लीग ऑफ नेशन जो है वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया था, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसको बनाया गया था, यूएनओ को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। यूएनओ में टोटल 15 मेंबर सदस्य हैं, ठीक है, 5 इसके स्थायी हैं और इसके 10 इसके अस्थायी हैं, ठीक है। इनके बारे में पता हो, उनके नाम पता हो, प्लस स्थायी को हर 2 साल के बाद चुना जाता है, आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूएनओ के बारे में। पहले मैंने बता दिया कि यूएनओ की स्थापना 45 में, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है एक मार्क्स में कि यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है, ठीक है, तो वह है आपका लीग ऑफ नेशन। इससे पहले लीग ऑफ नेशन आया था, उत्तराधिकारी का मतलब भाई जैसे कि फादर के बाद उसका बेटा आता है ना, तो वही सिंपल यूएनओ बेटा किसका है भाई, यूएनओ से पहले क्या आया था आपका, लीग ऑफ नेशन आया था, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं आपका, ठीक है। आप पता होना चाहिए आपको यूएनओ पे चार्टर पे कितने देशों ने हस्ताक्षर करे थे, 51। पहले 50 देशों ने करे थे, जो उसके 50 देश थे उन्होंने हस्ताक्षर करे थे यूएनओ के चार्टर पर, बट बाद में एक और एड ऑन हुआ था, 51 देश कौन सा था, पोलैंड, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए कि पोलैंड आपका 51वां देश था, 51, ठीक है। तो ये छोटी मोटी नॉलेज है जो कि आपको बताना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर से मैंने टॉपिक बढ़ा, मैं ये बताता कि इस चैप्टर से आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहली बात तो यूएनओ के उद्देश्य पूछ सकते हैं कि यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य क्या है या उसकी कमियां क्या है। तो आपको पहली बात पता होना चाहिए कि यूएनओ एक संगठन है, और मैंने पहले बताया कि किसी भी संगठन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, शांति, ठीक है, शांति, दूसरा सुरक्षा, तीसरा अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, चौथा
सामाजिक या आपको सांस्कृतिक भी कर सकते हो, सांस्कृतिक विकास। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप दो तीन चीजें और आप एड ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपका हथियारों की जो होड़ है उसको कम करना, या वेपन्स वगैरह को जितना हो सके कम बनाना, डेवलपमेंट करना, देशों को स्वास्थ्य रखना, आर्थिक सहायता देना उनको, जो अविकसित देश है उनको डेवलपमेंट करना, उनकी डेवलपमेंट करने में हेल्प करना, ये सब एक संगठन का उद्देश्य होता है। तो आपके यूएनओ के भी सेम उद्देश्य, शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, ये सब आपके यूएनओ के उद्देश्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स तक में आ सकता है कि यूएनओ को बनाने का उद्देश्य क्या है, या ये कह सकते हो कि यूएनओ किस प्रकार से प्रेजेंट टाइम के लिए या वर्तमान में जरूरी है, या उसकी हमें आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं आपकी इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में आपका यूएनओ और उसके उद्देश्य के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, पहला तो उद्देश्य हो गया, दूसरा हाँ सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो यूएनओ और उसके जो अंग है पांच, जैसे कि आपने पता होगा सचिवालय हो गया, ठीक है ना, आम सभा हो गया, और साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में पूरा चार्ट दे रखा है, आपने देखा होगा, तो उसमें उसके पांच मुख्य वो दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं, तो उनके बारे में आपको जरूर पता हो, सचिवालय क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, उसमें काम क्या होता है, सचिवालय का काम क्या होता है, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये कम से कम आपका लॉन्ग में ये भी आ सकता है, तो लॉन्ग में आपके उद्देश्य आ सकते हैं, या फिर उसके जो पांच अंग है उन पांच अंगों को डिफाइन करने के लिए सकता है कि उनके काम क्या हो सकते हैं, या हो सकता है कैसे नाम नाम पूछ ले, तो वो भी आप प्रिपेयर करके जरूर जाना। नेक्स्ट है आपका, उसके पांच मुख्य अंगों के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओके, इसमें से अब आपने देखा होगा इसमें, इसमें आपके कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, वो है आपका आईएलओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनएचआरसी, यूएनएचसीआर, वर्ल्ड बैंक, WTO और ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, गेट। कहने का मतलब ये कह रहा हूं कि इस चैप्टर में ना देखो लॉन्ग क्वेश्चन तो ये कवर करेंगे, स्थापना के उद्देश्य क्या है और इसके जो पांच मुख्य अंग हैं उनके काम क्या है। अब देखो इसमें से ना शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से पहले रिपीट कर रहा हूं कि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ज्यादा। कैसे, एक तो ईलो, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पूछ सकते हैं, इसके इसके उद्देश्य क्या है, या ये क्यों बनाया गया है, इंटरनेशनल लेबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्यों बनाया गया है। फिर आपका यूनिसेफ, इंटरनेशनल, ये रहा आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, या आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष भी, आपका इसको बाल कोष भी कहते हैं आपका, ठीक है, बाल कोष हो गया। फिर आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी है आपका। और साथ साथ में UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, तो ये सब आपके, ये शरणार्थी उच्च आयोग है, मानवाधिकार आयोग हो गया, ये शिक्षा शैक्षणिक हो गया, सामाजिक विकास के लिए ये आपका बनाया गया है। तो इन सब की फुल फॉर्म, इनकी स्थापना दिवस, ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है, इनकी इनका पूर्ण रूप लिखने के लिए आ सकता है आपका, ठीक है ना। जैसे कि ये है आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, या विश्व बैंक क्या काम करता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, क्योंकि ट्रेड को लेके है जाहिर सी बात है। और हाँ, WTO का उत्तराधिकारी क्या है, ये आपको पता चाहिए, गेट, GATT क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपका ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, ध्यान से मत देखना, मिल जाएगा आपको। अब ये ह्यूमन राइट्स वॉच, ये मानवाधिकार संगठन है आपका, IMF आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इन सब के बारे में आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये सब आपके शॉर्ट मार्क्स, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में, हो सकता है कि फिलअप्स आ जाए या 1 मार्क्स में आ जाए, ये सब इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि भाई इनकी स्थापना क्यों की गई थी, इनके एक एक कार्य बताइए या दो दो कार्य बताइए, ये आपके शॉर्ट में आ सकते हैं, ये सारे के सारे। और भी हैं, आप उसको बुक में देख लेना एक बार,
बट ये सब आपके शॉर्ट में आ सकते हैं, लॉन्ग में नहीं आएंगे। लॉन्ग में आपका आना होगा तो यूएनओ के जो पांच मुख्य अंग हैं इनकी, इनके कार्य पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इनकी क्या उपयोगिता है, इनका यूज क्या है इनके पांच अंगों का, या प्रेजेंट टाइम पे जो यूएन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसकी हमें नीड है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य और कमियां ये पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन भी सेम ही है, मेंशन कर सकते हो आप। तो इस चैप्टर में से आपका एक ही लॉन्ग बनेगा ज्यादा से ज्यादा, और इसमें से छोटे ही बन सकते हैं, लॉन्ग तो नहीं एटलीस्ट छोटे ही इसमें ज्यादा बनेंगे वन मार्क्स के, क्योंकि इसमें बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं आपकी, देखा होगा आपने बुक में। तो ये था आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि यूएनओ वाला वैसे कि अच्छा एक चीज और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि वन मार्क्स में कि भाई भारत जो है वो यूएनओ का मेंबर बना कब, तो आप 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है वो यूएनओ का मेंबर बना था। और हाँ प्लस ये ध्यान रखना कि यूएनओ के जो वो है ठीक है महासचिव है, ठीक आपसे पूछ सकते हैं कि भाई प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम पे कौन चल रहे हैं आपको बताना चाहिए, ऐसे कि आपको पता नहीं कि पहले आपके ट्राइबल भी हैं, तो ऐसे आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के एक या दो और एंडिंग के एक या दो पता होने चाहिए। ठीक है, सो इस चैप्टर में से आपके लिए इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, एक और है आपका AEAE करके कुछ होगा, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय आणविक एजेंसी वाला करके कुछ है, तो वो आपको भी पढ़ना कि भाई वो आणविक ऊर्जा के लिए बनाया गया है, वो इसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, IAEA आई थिंक, ठीक है, ये जो है आपका आणविक ऊर्जा को लेके है, ठीक है, जिसमें आपके जो वेपन्स वगैरह बनाए जाएंगे, परमाणु हथियार बनाए जाएंगे, उनकी रोक के लिए बनाएंगे कि अगर कोई देश बना रहा है तो कम बनाए या लिमिटेड में बनाए, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके वन मार्क्स में कवर करेंगे सारे के सारे शॉर्ट में, ये आपके लॉन्ग है, ये आपके शॉर्ट है, इसमें से आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।